દાદરાનગર હવેલી લોકસભાની બેઠકની યોજાઈ રહેલી પેટા ચૂંટણીમાં પ્રચાર અર્થે આવેલા મનોજ તિવારીએ જાહેરસભા સંબોધીને પરપ્રાંતીય પ્રજા ભાજપના ઉમેદવારને જીતાડવા માટે મત માંગ્યા હતા। દાદરાનગર હવેલી ચૂંટણીમાં ભાજપ કોંગ્રેસ શિવસેના અને અપક્ષ વચ્ચે જંગ ખેલાઈ રહ્યો છે। જો કે ભાજપ દ્વારા સ્થાનિક આદિવાસી મતદારોને રીઝાવવા માટે સ્થાનિક ભાજપના નેતાઓને સાઇડ કોર્નર કરીને પરપ્રાંતીય મતદારોને પોતાની તરફેણમાં લેવા માટે પ્રયાસ કરતા હોય તે રીતે બીજા રાજ્યોમાંથી સ્ટાર પ્રચારકોને બોલાવીને પ્રચાર કરતા સ્થાનિક આદિવાસી ભાજપના અગ્રણીઓમાં છુપો રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। दीप भाई और आ रहे सब भारतीय जनता रामदेव भाई थोड़ा जगह कर लीजिए। मंच पे हमारे जोशी भाई, रिंकू बहन, उदय मिश्रा कि भाई औसत के मतलब होला ना कि जैसे ही कोनो अच्छा काम भेल तो लब से दे दो ओकर चट मंगनी। हां गुरु ब्याह बहुत याद है तुमको। ये होता है ना कि अगर किसी ने अच्छा काम किया, हम गिर गए, गिरने से पहले हमको किसी ने थाम लिया तो हम कहेंगे ना थैंक यू भाई। ये थैंक यू एक दिन बाद तो नहीं कह सकते, तुरंत अगर धन्यवाद करने का किसी के पास समय है ना राकेश जी, तो सिर्फ और सिर्फ सिलवासा दादर नगर हवेली। महेश गावित वो जीतेगा तो जानते हैं नरेंद्र मोदी की शक्ति कैसे बढ़ेगी, इसकी चर्चा कहां होगी, अमेरिका में होगी। अरे मोदी की ताकत बढ़ रही है, मोदी अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव का रिजल्ट निकलेगा दादर नगर हवेली का और खलबली मचेगी चाइना में। अरे बाप रे, मैं इस उपचुनाव में दादर नगर हवेली में भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने कैंडिडेट के लिए नरेंद्र मोदी जी के भेजे पर आया हूं और जो यहां का भाव देख रहा हूं, बस हमें लोगों से आंचल फैलाना है, लोग विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिता करके नरेंद्र मोदी को पुरस्कार देना चाहते हैं। सामने शिवसेना जैसी पार्टी भी है और प्रत्याशी के लिए फिलहाल जो बात चल रही है वो सिंपैथी की भी बात चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सिंपैथी से विकास तो नहीं हो सकता, और नट्टू भाई जब यहाँ का सांसद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो उस समय जितना विकास हुआ उसके बाद जो ठहरा विकास उसको पुनः लेके जाना है, और लोगों ने ठान लिया है कि सिंपैथी से पेट नहीं भर सकता, और इतनी बार सिंपैथी दे चुकी है यहाँ की जनता, तो अब इस बार उसको विकास के लिए अपना रास्ता चुनना है, वंशवाद से बाहर निकलना। तानाशाही की बात चल रही है कि यहाँ के जो प्रशासक है वो प्रशासन है वो तानाशाही चला रहे हैं, बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित किया गया है। नहीं देखिए, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुल जाता हो, रिवर फ्रंट बन जाता हो, हर सुविधा जिनको मिलती है, स्टेडियम बन जाता